नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिनी योहन्नान और ट्रूथर लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो लेके आपके पास आया है। काफ़ी लोग पिछले दिनों में मुझे पूछा, एक सवाल का उत्तर मैं आज आपको बता के देना चाहता। काफ़ी लोग मुझे पूछा क्या ट्राइबल हिली एरिया में चला सकते हैं, कितना उसका पावर रहेगा, हिल साइड में हिल टॉप में क्लाइंब करने का ताकत क्या ट्राइबल में है क्या। ये जानने के लिए हम अपना गाड़ी मुंबई का सबअर्बन एरिया में उत्तर साइड में पाली हिल में गाड़ी लेके गया। मुंबई का उस जो एरिया थोड़ा हाइट में ज़्यादा है, ऊंचा एरिया है, एक हिल साइड है उस साइड में, और रोड भी क्या ना एकदम स्टीप रोड होते हैं, कुछ 30-35 डिग्री एलिवेशन में रोड होते हैं। जैसे रोड स्टीप होते उसके साथ में रोड भी बहुत कर्व्ड होते, वैसे एक एरिया में हम लेके गया और अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव क्या है आपसे आज शेयर करना चाहता। हम कुछ वीडियोस आपको दिखाएगा। हम 2-3 बार वो पाली हिल में, एक अच्छा ऊंचा हिली एरिया है, उस एरिया में अपना गाड़ी चला के देखा। फर्स्ट टाइम मैंने 7 लोगों को गाड़ी में बिठा के गाड़ी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए कोशिश किया। नमस्कार दोस्तों, हम इस ट्राइबल गाड़ी में 7 जन अभी बैठा है। हम कोशिश कर रहे हैं आगे जो बड़ा एक पहाड़ है अपना ट्राइबल में, उस पहाड़ को जरा चढ़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखता हूँ कैसे अपना गाड़ी का परफॉर्मेंस है। देखो गाड़ी में फुल लोडेड है, अभी कुछ लगभग 15 किलोमीटर हम चला के, 15 से ज़्यादा है ना, 16-17 किलोमीटर हम टाउन से इधर दूर लेके आया, क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए ट्राइबल का परफॉर्मेंस क्या है, क्या अपना गाड़ी इस जो बड़ा पहाड़, मतलब फुल लोडेड गाड़ी, मतलब पिकअप मिलेगा, चला सकते हो, देखने के लिए हम आया। ओके, एंजॉय द वीडियो। इस जो पहले का वीडियो में हम 7 लोगों को बिठा के इस जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किया, एक एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैं सेकंड गियर थर्ड गियर में इस जो हिली रोड ड्राइव किया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, थोड़ा आधा रास्ता हम पहुंचा सेकंड गियर में, फिर आगे गाड़ी जा नहीं पाया, इसलिए फिर गाड़ी हम रुका के फर्स्ट गियर में गाड़ी डालना पड़ा। फिर फर्स्ट गियर में बाकी डिस्टेंस हम पार किया। फिर सेकंड टाइम जो दूसरा वीडियो आप देख रहे, इस वीडियो में हम गाड़ी में 5 लोगों को बिठा के गाड़ी चला के देखा। जब 5 लोगों को बिठा के गाड़ी चलाया, गाड़ी नीचे का तराई से लेकर एकदम भाट का ऊपर तक अच्छे रीति में चला पाया, फर्स्ट गियर में चलाया। शुरुआत तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आके, फिर उसके बाद में हम लास्ट फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के हिल टॉप में पहुंचा। तीसरा ये जो वीडियो, मैं अकेला बैठ के एकदम नीचे से गाड़ी फिर से वापस ऊपर लेके आया, एकदम तेज में लेके आया। ये 3 बार हम इस हिल टॉप में गाड़ी को, एकदम स्टीप एरिया है इस एरिया में, गाड़ी चला के हम देखा। हमें फिर सेकंड गियर डाल के गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ा। फिर सेकंड टाइम हम 5 लोगों को बिठा के तराई से लेकर हिल टॉप तक गाड़ी को चला के देखा। गाड़ी अच्छा से स्मूथली चला पाया, कोई लैगिंग नहीं हुआ, कोई पावर का कमी हमें अनुभव नहीं किया। और तीसरा बार मैं अकेला बैठ के गाड़ी को नीचे से लेकर ऊपर तक तीसरा बार भी चला के देखा। जब मैं अकेला था, गाड़ी एकदम स्मूथली, इसे बोल पाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एकदम स्मूथली गाड़ी हिल टॉप तक पहुँचा। 3 बार हम कोशिश किया, तीनों बार हम गाड़ी को नीचे तराई से लेकर हिल टॉप तक ला पाया। फर्स्ट टाइम गाड़ी बीच में रुक गया, कारण मैं थर्ड गियर और सेकंड गियर में चलाने के लिए कोशिश कर रहा था, और उस समय मुझे मालूम पड़ा, देखो ये गाड़ी इतना ऊंचे एरिया में, इतना हिल साइड में, ये गाड़ी छोड़ो दूसरा कोई भी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चला पाओगा, क्योंकि उसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा था। फिर भी एक एक्सपेरिमेंट
मुझे गाड़ी का पावर टेस्ट करना चाहिए था, इसके लिए मैं कोशिश किया थर्ड गियर में पहले चला के फिर सेकंड गियर में ला के उस सेकंड गियर में चढ़ाने के लिए मैं कोशिश किया, लेकिन कामयाबी नहीं हुआ। उसके बाद में फर्स्ट गियर में डाल के हिल टॉप तक पहुंचा। तो मेरा कंक्लूशन, ट्राइबर में हिली एरिया में चलाने का इनफ ताकत है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं जिस एरिया में कोशिश किया वो एकदम क्या बोलते हैं ऊंचा एरिया था। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए वैसे एक जगह को चुना क्योंकि सही में मुझे ट्राइबर का शक्ति को मापना चाहिए था, उसको मैं मशर करना चाहिए था। और माय ऑब्जर्वेशन इज द कार इज गिविंग ए गुड परफॉर्मेंस इन हिली एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम जल्द से जल्दी और भी कुछ वीडियो लेके आपके पास आने वाला है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा। थैंक यू ऑल।